शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इस फिल्म ने 368 करोड़ की कमाई भारत में कर ली है। फैंस भी इस फिल्म को लेकर पागल हो रहे हैं। हर किसी में इसे देखने की होड़ मची हुई है। पठान के बाद शाहरुख खान ने जवान के ताबड़तोड़ कलेक्शन से साबित कर दिया है कि वही असली बाजीगर हैं। इस एक्शन थ्रिलर ने अपने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की थी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। जवान ने ओपनिंग डे पर भारत में नेट 75 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 125 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब हाल ही में फिल्म के डायलॉग राइटर ने खुलासा किया है, इसका मशहूर डायलॉग बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर शुरुआत में इस फिल्म का हिस्सा नहीं था। शाहरुख खान स्टारर जवान सिनेमाघरों में तूफान बनी हुई है। फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसे देखने के लिए थिएटर्स में लोगों की भीड़ लगी हुई है। अब डायलॉग राइटर ने कहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर शुरुआत में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। इस डायलॉग ने शाहरुख के फैंस का ध्यान आकर्षित किया था जब इसे पहली बार एक्शन एंटरटेनर के ट्रेलर में दिखाया गया था। इसे 7 सितंबर को फिल्म रिलीज होने से एक सप्ताह पहले लॉन्च किया गया था। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने इसे अक्टूबर 2021 में ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ा था। हालांकि बाद में आर्यन को जमानत दे दी गई थी और 25 दिन जेल में बिताने के बाद में उनको क्लीन चिट भी दे दी गई थी। लेकिन ये डायलॉग इस फिल्म का हिस्सा कैसे बना, इस बारे में डायलॉग राइटर ने खुलासा किया है। सुमित अरोड़ा ने कहा, यह एक ऐसी कहानी है जो आपको फिल्म बनाने के जादू पर विश्वास कराएगी। वो लाइन मूल रूप से हमारे ड्राफ्ट में कभी नहीं थी, हालांकि वो पल हमेशा से था जब शाहरुख सर का किरदार उस लाइन को बोलता है। हम सभी जानते थे कि वो पल डायलॉग के बिना भी बहुत पावरफुल है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा लगा जैसे उस सीन में कुछ न कुछ लाइन तो होनी चाहिए। इस बंदे को कुछ बोलना तो चाहिए। मैं सेट पर था, मुझे बुलाया गया और उस सीन को देखकर मेरे मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ऐसा लगा जैसे ये लाइन उस सीन और सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है। डायरेक्टर एटली और शाहरुख सर दोनों को यह एकदम सही लगा और शॉट ले लिया गया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।